दोस्तों अगर आप भी हर्षदीप सिंह को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दो गेंदों पर दो विकेट चटकाकर हर्षदीप सिंह ने मुंबई के जबड़े से जीत छीन ली। तो इस मुकाबले में अपनी शर्मनाक गेंदबाजी के लिए जमकर सुर्खियां बटोर रहे अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी टीम की हार का जिम्मेदार एक ऐसे खिलाड़ी को बता दिया जिसका नाम सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर क्या कुछ कहा है अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी टीम की हरारी हार के बाद, उनके होश उड़ा देने वाले बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कौन था मुंबई की इस हार का सबसे बड़ा विलन, अर्जुन तेंदुलकर, सूर्यकुमार यादव या फिर कोई और? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वानखेड़े के मैदान पर एक बार फिर गेंदबाजों की शामत आई, जहां चौके छक्कों की बारिश के बीच गेंदबाज बचाते बचाते नजर आए। पहले पंजाब के खिलाड़ियों ने उनकी जमकर पिटाई की तो फिर बारी थी मुंबई के बल्लेबाजों की। आपको बता दें रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर मेहमान पंजाब को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, लेकिन रोहित का यह फैसला उन पर ही भारी पड़ा। जी हां दोस्तों, शुरुआत में तो मुंबई के गेंदबाजों ने एक के बाद एक पंजाब के चार बल्लेबाजों को शिकार कर लिया, लेकिन उसके बाद मैदान में उतरे कप्तान शयन करण के साथ हरप्रीत भाटिया ने मुंबई के सभी गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए जमकर धुनाई कर दी। नतीजा यह रहा कि करण के अर्धशतक और हरप्रीत सिंह के तूफानी 41 रनों की बदौलत पंजाब ने 20 ओवरों में 215 रनों का विशाल लक्ष्य मुंबई इंडियंस को सौंपा था। इतना बड़ा लक्ष्य होते हुए तो बड़ी से बड़ी टीमें भी बिखर जाती हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस को आईपीएल का किंग माना जाता है और इस बात को उन्होंने एक बार फिर साबित किया। आपको बता दें जहां रोहित शर्मा ने तूफानी 44 रनों की पारी खेली तो कैमरन ग्रीन ने चौके छक्कों की बरसात करते हुए विस्फोटक 67 रन बना लिए, जिसके बाद बारी थी सूर्या की। उन्होंने भी पंजाब के गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए अर्धशतक जमाया तो फिर अंत में उतरकर टिम डेविट ने 13 गेंदों में 25 रन जड़ दिए। मुकाबला अंतिम ओवर में था जहां 6 गेंदों पर जीत के लिए 15 रन चाहिए थे, लेकिन हर्षदीप सिंह ने दो गेंदों पर दो विकेट चटकाकर मुंबई के जबड़े से जीत को छीन लिया और अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। जिसके बाद दोस्तों अब अर्जुन तेंदुलकर ने हार का ठीकरा अपने सिर पर फोड़ते हुए खुद को इसका दोषी बता दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि खराब गेंदबाजी का कोई बहाना नहीं है। जब मेरी पिटाई होनी शुरू हुई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और कैसे रन रोकूं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं बचा नहीं पाया, और सच्चाई यही है कि वहीं से पंजाब को मोमेंटम मिला और उन्होंने हमारे खिलाफ इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। यदि मैं उस ओवर में संभाल लेता तो हमारी यह हालत नहीं होती। उम्मीद है कि मैं अपनी गलती को भविष्य में सुधार पाऊंगा और दोबारा जब मैदान में उतरूं तो अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब हूं। जी हां दोस्तों, अपने इस बयान में अर्जुन तेंदुलकर बेहद भावुक दिखे, लेकिन आपको क्या लगता है मुंबई की हार का सबसे बड़ा विलन कौन था? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।